बनाम मोना लिखा। आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण में वचन और लिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चे, किसी बच्चों के लिए संस्कृत ये विषय नया होगा। जैसे हम फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के बारे में बात करते हैं, उनके लिए ये विषय नया होता है। उनको उत्सुकता रहती है कि इस विषय में क्या बताया गया है। आपने देखा होगा हिंदी मराठी में आपने वचन और लिंग पढ़ा होगा, क्योंकि ये कोई भी लैंग्वेज का बेसिक होता है। तो आज हम भी संस्कृत इस विषय के वचन और लिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मराठी में एक वचन अनेक वचन होता है, हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, लेकिन बच्चों ध्यान दो, संस्कृत में तीन वचन होते हैं। अब ये तीसरा वचन कौन सा है, तो आइए हम जानते हैं वचन की ओर। चलिए वचन, अब सबसे पहले वचन क्या होता है। वचन किसे कहते हैं, जो संख्याओं के बारे में जानकारी दे, जो नंबर के बारे में हमको बताए, उसे कहते हैं वचन। अब संस्कृत में वचन के तीन प्रकार होते हैं, कौन से देखिए, ब्लैकबोर्ड पे लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध होता है, कितनी संख्याओं का, एक संख्या का बोध होता है, उसे कहते हैं हम एक वचना। दूसरा है द्विवचना, जिसमें दो संख्याओं का बोध होता है, उसे कहते हैं हम द्विवचना। तीसरा है बहुवचना, जिसमें बहुत संख्याओं का क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसे कहते हैं बहुवचन। यानी कि टोटल हमारे संस्कृत के कितने वचन होते बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम आगे इनको उदाहरण के साथ में जानते हैं। चलिए बच्चे, अब हम वचन उदाहरण के साथ में जानते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए ये क्या चीज है, वृक्ष के पत्ते, पेड़ के पत्ते, जिसे आपने ध्यान से देखिए, कितने पत्ते हैं मेरे हाथ में, ध्यान से देखिए कितने पत्ते हैं, एक। तो हम इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्रम। क्या कहते हैं, पत्रम। अब एक पत्ता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि एक वचन में जब संख्या एक होती है तब उसे हम कहते हैं एक वचनम। तो संस्कृत में हम पत्रम को क्या बोलेंगे, एक वचन में पत्रम, क्या बोलेंगे, पत्रम। अब देखिए बच्चों, मेरे हाथ में कितने पत्ते हैं, ध्यान से देखिए कितने पत्ते हैं, दो पत्ते हैं। यानी अगर दो संख्या होती है तो वो कौन सा वचन हो गया, द्विवचन। तो संस्कृत में अगर हमारे पास में दो पत्ते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, पत्रे, क्या कहेंगे, पत्रे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे हाथ में कितने सारे पत्ते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पत्ते रहते हैं या बहुत सारी संख्या जब रहती है तब वो होता है बहुवचनम, क्या होता है, बहुवचनम। अब पत्रम को बहुवचन में हम क्या बोलेंगे, पत्रानी, क्या बोलेंगे, पत्रानी। यानी फिर से हम पढ़ते हैं, अगर एक वचन रहा तो पत्रम, द्विवचन रहा तो पत्रे, और बहुत सारे रहे तो क्या बोलेंगे, पत्रानी। यानी पढ़ते समय आप कैसे पढ़ोगे, पत्रम, पत्रे, पत्रानी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे हाथ में क्या है, आपने इसे भी देखा होगा, क्या है ये, फूल की कली, ठीक है, आप लोग इसे कली कहते हैं, संस्कृत में इसे कहते हैं कलिका। फिर से आप देखिए कि अगर मेरे हाथ में कितनी संख्या है कलिका की, एक, तो एक है तो ये कौन सा वचन हो गया, एक वचनम, कौन सा वचन हो गया, एक वचन। तो एक वचन में हम कलिका को क्या बोलेंगे, कलिका, एक है तो कलिका। अब मेरे हाथ में कितने हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, दो, तो दो हो गई यानी दो संख्या हो गई, तो क्या बोलेंगे इसको, द्विवचनम। तो अब कलिका का क्या हो जाएगा, कलिके, क्या हो जाएगा द्विवचन में, कलिके। अब और ध्यान से देखो बच्चों, अब कितनी संख्या बढ़ गई कलिका की, बहुत सारी, तो जब बहुत सारी बढ़ गई तो हम इसे क्या कहेंगे, बहुवचनम। तो बहुवचनम में हम कलिके को क्या कहेंगे, कलिका, क्या बोलेंगे, कलिका। तो पढ़ते समय एक वचन में कली को कहेंगे कलिका, कलिके, कलिका। यानी आप पढ़ते समय इसको कैसे पढ़ोगे, कलिका, कलिके, कलिका। चलो बच्चों, इसे आपने देखा होगा, आप खेलते भी हो इसके साथ में,
इसे क्या कहते हैं, बॉल। आप जनरली इसे बॉल के नाम से ही जानते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे कहते हैं कंदुकम। क्या कहते हैं? कंदुकम। फिर इसकी संख्या मेरे हाथों में कितनी है? एक। यानी एक है तो हम एक वचन में उसे क्या कहेंगे? कंदुकम। क्या कहेंगे? कंदुकम। अब फिर से देखिए बच्चों, मेरे हाथ में कितनी बॉल्स है, ध्यान से देखिए, कितनी बॉल्स है? दो बॉल। यानी हम इसे क्या कहेंगे संस्कृत में? अगर दो बॉल है तो कंदुके। क्या कहेंगे? कंदुके। अब मेरे हाथ में फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, कितनी सारी बॉल्स है, आप खेलते हो ना इसके साथ में? तो अगर बहुत सारी बॉल्स है तो हम इसे क्या कहेंगे? ध्यान से देखो, क्या कहेंगे? कंदुकानी। यानी बहुवचन में हम कहेंगे कंदुकानी। अब हम फिर से पढ़ते हैं कि एक वचन में क्या कहेंगे, द्विवचन में क्या कहेंगे और बहुवचन में क्या कहेंगे। एक वचन में कंदुकम, द्विवचन में कंदुके और बहुवचन में कंदुकानी। चलो बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। आप लोग मम्मी पापा से मांगते हो कि नहीं? क्या चीज है ये? पैसे, जिसे आप लोग पैसे बोलते, लेकिन संस्कृत में इसे कहते धनम। क्या कहते? धनम। अब कितनी संख्या है मेरे हाथ में धनम की? एक। तो एक रहती है तब हम इसे क्या कहते? एक वचनम। क्या कहते? एक वचनम। तो जब हम पढ़ेंगे तब हम धनम को क्या बोलेंगे क्वेश्चन में? धनम। अब मेरे हाथ में कितने पैसे है? ध्यान से देखो बेटो, कितने सारे हैं? दो। अगर दो संख्या रही तो हम इसे क्या कहेंगे? धनी। क्या कहेंगे? धनी। खाने की धनी नहीं है ये, संस्कृत में दो रहे तो इसका हम कहते धनी। अब मेरे हाथ में देखो बच्चों, कितने सारे पैसे, ध्यान से देखो, इसे हम कहेंगे धनम कहते, लेकिन बहुवचन में हम इसे क्या कहेंगे? धनानी। क्या कहेंगे? धनानी। यानी पढ़ते समय हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, एक वचन है तो धनम, द्विवचन है तो धने और बहुवचन है तो धनानी। इसे ध्यान से देखिए, ये क्या है? कपड़े। आप इसे क्लॉथ कहते हैं, हम इसे संस्कृत में कहते हैं वस्त्र। अब वस्त्र की संख्या मेरे हाथ में कितनी है? ध्यान से देखो, एक। यानी ये कौन सा वचन हो गया? एक वचनम, जिसे हम कहेंगे संस्कृत में वस्त्रम। एक वचन में क्या कहेंगे बच्चों? वस्त्रम। अभी फिर से ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में कितने क्लॉथ है, कितने कपड़े हैं? दो। यानी दो की संख्या हो गई तो हम वस्त्रम को क्या बोलेंगे द्विवचन में? वस्त्रे। क्या बोलेंगे? वस्त्रे। फिर से देखिए, अभी मेरे हाथ में कितने वस्त्रम है? बहुत सारे। तो बहुत सारे को हम कहते हैं बहुवचनम। तो बहुवचन में वस्त्र का भी क्या हो जाएगा? वस्त्राणि। क्या हो जाएगा? वस्त्राणि। यानी आप पढ़ते समय कैसे पढ़ोगे? वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। ठीक है बच्चे। अब मैं एक शिक्षिका हूँ। अब शिक्षिका, आपको ये शब्द आपने सुना भी होगा, संस्कृत में भी शिक्षिका ही कहते। अगर मैं एक शिक्षिका हूँ तो एक वचन में क्या कहेंगे? शिक्षिका। अगर मेरे साथ में दूसरी में कोई शिक्षिका रहती तो हम उसे कहते शिक्षिके। और बहुत सारे, जैसे आपकी क्लास में होती है, आपके स्कूल में टीचर्स लोग होती है बहुत सारी, तो जब बहुत सारी शिक्षिका रहेगी तो संस्कृत में हम कहेंगे शिक्षिका। क्या कहेंगे? शिक्षिका। तो आप पढ़ते समय कैसा पढ़ोगे? एक वचन में शिक्षिका, द्विवचन में शिक्षिके और बहुवचन में पढ़ोगे शिक्षिका। यानी पढ़ते समय आप कैसे लर्न करोगे? शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। उसके बाद बच्चों, आपको जेंट्स लोग पता है, पुरुष जिसे हम कहते हैं संस्कृत में, उसे कहते हैं नर। क्या कहते हैं? नर। अगर एक आदमी है तो हम उसे कहेंगे नर। दो आदमी है तो नर, और बहुत सारे आदमी लोग हैं तो हम उसे कहेंगे नरहा। यानी पढ़ते समय आप फिर से कैसे पढ़ोगे? नर, नर, नरहा। चलिए बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंग, जिसे हम जेंडर के नाम से आप लोग इंग्लिश में पहचानते हैं। आपने हिंदी, मराठी में भी लिंग पढ़ा होगा, क्योंकि ये सब लैंग्वेज का बेसिक होता है। आज हम संस्कृत में भी लिंग पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में भी तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंगम किसे कहते हैं और नपुंसकलिंगम किसे कहते हैं? सबसे पहले पुल्लिंगम। पुल्लिंगम यानी जिसमें आदमियों के बारे में, यानी जेंट्स लोगों के बारे में जिसमें बताया जाती है, जो पुरुष जाति को बताया जाता है, बोध किया जाता है पुरुष जाति के बारे में, उसे हम कहते हैं पुल्लिंगम। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर लिखा है, बालक
छात्रः, अगर वो पुल्लिंग जाति का है यानी पुरुष जाति का है तब हम उसको बालकः छात्रः पढ़ेंगे। उसके बाद में स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम यानी जिसमें स्त्री जाति का यानी लेडीज के बारे में जिसमें बताया जाता है उसे कहते हैं हम स्त्रीलिंगम। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंगम, जिसमें स्त्री जाति का बोध किया जाए, जैसा बालिका छात्रा, जैसे कोई लड़कियां हैं स्टूडेंट है, लड़कियां स्टूडेंट है तो हम उसे कहेंगे छात्रा। क्या कहेंगे? छात्रा। चलिए अब हम पढ़ते नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंगम किसे कहते हैं? जिसमें पुल्लिंग जाति का यानी पुरुष जाति का, स्त्रीलिंगम यानी स्त्री जाति का बोध ना होता हो, यानी किसी वस्तु से हमें पता ही ना चले कि वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है, तब हम उसे कहेंगे नपुंसकलिंगम। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी पुस्तक, अब ये पुस्तक हमसे हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये स्त्री जाति की है कि पुरुष जाति की है, तब हम इसे डालेंगे पुस्तकम यानी नपुंसकलिंगम। जैसे फलम, फ्रूट आप खाते हो उसे कहते हैं फलम, वो भी हमको नहीं पता रहता है कि कौन सी जाति का है, तब हम उसे कहेंगे फलम। तो बच्चों आपने देखा होगा लिंग तीन तरीकों के होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी और मराठी में उनके जाति से पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है। लेकिन संस्कृत में एक ध्यान देने की बात है कि संस्कृत में आप शब्दों से पहचानोगे कि वो स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है कि वो नपुंसकलिंग है, यानी वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, ये आपको शब्दों से पहचानना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको संस्कृत के क्या पढ़ने पड़ेंगे? शब्द पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि वो कौन से जात, कौन से लिंग में आएगा, कौन सा जेंडर में आएगा। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वचन और लिंग आपको उदाहरण के साथ में वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। आप भी इसे पढ़िए और समझिए। थैंक यू सो मच।